प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया हम सबको आशीर्वचन देने के लिए पोडियम पर हैं। माननीय राज्यपाल महोदया, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, लोकाशंकर मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर बोहड़े जी, उपस्थित सभी योग साधकों, देवी और सज्जन, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी योग साधकों का राजभवन में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। योगाभ्यास में शामिल योग साधकों, प्रशिक्षुओं तथा समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग का उद्देश्य योग को एक वैश्विक आंदोलन के रूप में फैलाना तथा सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं और जन कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसी कड़ी में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राजभवन द्वारा वेब पोर्टल विकसित किया गया था, जिसमें प्रतिदिन योग करने संबंधी शपथ का अभियान 14 से 18 जून तक चला। इसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, संबंध महाविद्यालयों तथा अन्य लोगों द्वारा भी नामांकन कर प्रतिभाग किया। 18 जून तक कुल 26,22,467 प्रतिभागियों द्वारा इस अभियान में प्रतिभाग कर शपथ ली गई और यह एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग, व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की दोहरी भूमिका पर प्रकाश डालती है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य योगाभ्यास कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। वैश्विक मंच पर योग को स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो केवल और केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग आगे बढ़ाने में योग माध्यम बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योग की महत्ता को अंगीकार कर आज दुनिया भर में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़कर भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता स्थापित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वास्तव में नई प्रेरणा का दिवस है। यह दिवस हमें अपनी ऋषि परंपरा की विरासत पर गर्व की अनुभूति की प्रेरणा देता है। इसमें इस बात की भी प्रेरणा है कि योग के माध्यम से हम विश्व मानवता के कल्याण तथा आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मित्रों, योग भारतीय मनीषा की तरफ से विश्व मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार व माध्यम है, जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखता है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच